नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पे आप जो एयरक्राफ्ट जो देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे ये इंटरपिड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये यूएस के वर्ल्ड वार II में इसको यूज़ किया गया था और इसके बारे में आपको मैं और भी डिफरेंट एयरक्राफ्ट को आपके बताऊँगा। चलिए चलते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। सो ये आप ये डिफरेंट तरीके का एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। ये यूएस इंटरपिड के बारे में ही था और इसके बारे में जो भी थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 1943 में ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस नेवी में वर्ल्ड वार II में यूज़ हुआ था और ये कोल्ड वॉर और वियतनाम वॉर में भी इन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर पार्ट लिया था ये। और इसको जो कमीशन किया गया था 1960s में और आफ्टर उसके बाद 1974 में इसको डिकमीशन कर दिया गया था। सो ये जो आप एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहे हैं, बहुत सारे के का जो प्लेन है तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो नॉर्थ पोर्ट, ये टैलोन, ये प्लेन का नाम है। आप यहाँ थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये वाला एयरक्राफ्ट ये यूज़ हुआ था। उसके बाद ये नाटो कोड में ये वाला एयरक्राफ्ट ये यूज़ हुआ था, आप देख सकते हैं। ये देखिए। सो ये बहुत तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर, अभी मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑनबोर्ड में ही हूँ, आप देखिए। तो आपको धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो प्लेन यूज़ हुए थे उस समय, इंटरपिड एयरक्राफ्ट कैरियर में, तो वही मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। मैं अंदर भी गया हुआ था लेकिन अंदर काफ़ी जो रास्ता है काफ़ी संकीर्ण है, वो वीडियो बनाने लायक उतना जगह नहीं था। मैं सोचा आपके लिए मैं बाहर से ही दिखाऊं। ये देखिए, ये पूरा नेविगेशन सिस्टम, अंदर में जब मैं गया था पूरा नेविगेशन सिस्टम, रडार्स और कैप्टन साहब का सोने का पूरा जगह है। पूरा बेड में अंदर देख के आऊँ तो पूरा फुल अरेंजमेंट आपको दिखेगा, क्योंकि जो आप स्टेयरकेस देख रहे हैं वहाँ पर लोगों का, तो रास्ता काफ़ी संकीर्ण है, इसलिए अंदर नहीं जा पा के उतना वीडियो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पास से ज़रूर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये सारा सेटेलाइट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कैसे होता है, वर्ल्ड वार II में जो यूज़ हुआ था। ये देखिए, आप यहाँ से देख रहे हैं कुछ लोग अंदर से जा रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा सिस्टम आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आइए चलते हैं वापस एयरक्राफ्ट की ओर। ये देखिए, तो इंटरपिड एयरक्राफ्ट कैरियर में इस तरह के काफ़ी प्लेन्स यूज़ हुए थे। ये देखिए, नेवी आप साइन देख सकते हैं, प्लेन पे लिखा है वो देखिए। ये देखिए, दूसरी तरफ से इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम। अभी हम लोग टॉप मोस्ट पे हैं, जो इंटरपिड एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप देख सकते हैं। ये ब्रिटिश एरोस्पेस AV-8C हैरियर है। ये सी हैरियर आपने कभी सुना होगा। ये बिल्कुल वर्टिकल टेक ऑफ और टेक ऑन करता है ये एयरक्राफ्ट। ये हेलीकॉप्टर दोस्तों हम लोग आ ही गए हैं, यहाँ पे म्यूज़ियम है। ये देखिए बाहर का फ़ोटो। इंट्रपीड एयरक्राफ्ट का ये। आइए चलते हैं। ये देखिए अंदर हम लोग म्यूज़ियम में आ गए हैं। देख सकते हैं यूएस इंट्रपीड एयरक्राफ्ट कैरियर का एक रेप्लिका है। ये देखिए ऊपर से। तो ऊपर जो हमने जो एयरक्राफ्ट देखा हुआ है उसी का रेप्लिका आप यहाँ पे देखिए। नेविगेशन सिस्टम जो रडार कंट्रोल सिस्टम था आपको मैंने ऊपर पहले ही दिखा दिया है। ये देखिए रेप्लिका इंट्रपीड एयरक्राफ्ट सिस्टम का एयरक्राफ्ट कैरियर। इस तरह का प्लेन सारे डेक पे लगे रहते थे। वर्ल्ड वॉर टू, वियतनाम वॉर में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ये थ्री एवेंजर एयरक्राफ्ट है। ये देखिए विंग्स इसके भी फोल्ड हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जगह कम होता है एयरक्राफ्ट कैरियर में, इसलिए विंग्स को फोल्ड कर दिया जाता है। थ्री एवेंजर एयरक्राफ्ट। यूएस इंट्रपीड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये प्रोपेलर देखिए। कितना बड़ा प्रोपेलर है। ये देख ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर को नेविगेट करने के लिए इतना बड़ा प्रोपेलर तो होगा ही। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूएस इंट्रेपिड नेवी का एक और एयरक्राफ्ट। A-4B स्काईहॉक। एक और एयरक्राफ्ट देखिए, HUP-2 रिट्रीवर। ये डबल विंग्स वाले ये एयरक्राफ्ट करे हैं। अगर आप शिनूक हेलीकॉप्टर आप देखेंगे, आई थिंक वो इसी प्लेटफॉर्म पे ये बना होगा। HUP-2 रिट्रीवर एयरक्राफ्ट है ये। ये जेट इंजन देखिए, एयरक्राफ्ट का जेट इंजन। तो दोस्तों ये रहा USS ग्राउलर सबमरीन का बाहर का नज़ारा। ये देखिए ग्राउलर लिखा हुआ है ये दूसरे साइड से। ये देखिए आइए चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम चल रहे हैं USS ग्राउलर सबमरीन के अंदर। ये देखिए USS ग्राउलर सबमरीन का अंदर से नज़ारा। ये देखिए USS ग्राउलर सबमरीन अंदर का नज़ारा। सबमरीन का टॉयलेट देखिए। बहुत ही संकीर्ण दरवाजा। ये वार्डरूम। ऑफिसर्स रूम, कमांडिंग ऑफिसर स्टेट रूम। स्टैकअप लगे हुए हैं बेड सोने के लिए। ऑफिस, ये ऑफिस कितना छोटा। USS Growler. Sonar room. अब देखिए सबमरीन रेडियो रूम, ये देखिए क्रू मेंस कैसे एक साथ बैठ के खाना खाया करते हैं यहाँ पे क्रू मेंबर सबमरीन में। ये देखिए सबमरीन क्रू के क्वार्टर्स, सोने का स्थान। ये देखिए अंदर से के सबमरीन में अंदर का, ये देखिए इंजन रूम सबमरीन का यूएसएस ग्रोलर। रास्ता कितना संकीर्ण है, दरवाज़ा सबसे चैलेंजिंग लगता है मेरे को। ये देखिए एक आदमी जा ही रहा आगे। ये देखिए सारे यंत्र, मैनूवरिंग रूम, यहाँ से सारा कंट्रोल। अभी हम लोग को ये देखिए यूएस इंट्रेपिड एयरक्राफ्ट कैरियर का दूर से देखिए। आप पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में दिखा चुका हूँ एयरक्राफ्ट के, आप विंग्स देख रहे होंगे बैक पोर्शन। सो ये है बाहर का नज़ारा। अब हम ब्रिटिश एयरवेज का एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए चलते हैं। तो हम अगले जो एयरक्राफ्ट में आप देख सकते हैं सामने, वो ब्रिटिश एयरवेज का कॉनकॉर्ड है। ये 1960 में बिल्ड हुआ था जॉइंट वेंचर में यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस में। इसका जो क्रूजिंग स्पीड है लगभग 1300 माइल पर आवर की स्पीड है इसमें, और 14 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। और कुछ दुर्घटना हुई थी इसलिए उसको 2003 में इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया था। सो ये है ब्रिटिश एयरवेज का कॉनकॉर्ड। क्या शानदार डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और ये आप रोल्स रॉयस की, जो आपको पता ही होगा एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के इंजन होते हैं। ये टर्बोजेट इंजन देखिए, इसका कॉनकॉर्ड का टर्बोजेट इंजन। बहुत ही लाजवाब डिज़ाइन। व्हील्स तो दोस्तों ये रहा मेरा USS इंट्रेपिड एयरक्राफ्ट कैरियर। आपको मैंने पूरा एयरक्राफ्ट दिखाया, आपको सबमरीन दिखाया और कॉनकॉर्ड के बारे में आपने पहले ही आपको बता चुका हूं मैं। तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप क्या नया देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।